हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक्शन ड्रामा संग सस्पेंस थ्रिलर का मिलेगा जबरदस्त तड़का। गॉड समेत ओटीटी पर हिंदी में देख डालें साउथ की ये फिल्में। थलापति विजय की फिल्म गॉड सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। इसे 3 अक्टूबर को स्ट्रीम किया जाएगा। साउथ एक्टर थलापति विजय इन दिनों फिल्म गॉड की रिलीज को लेकर चर्चा में है। इसे सिनेमाघरों में 28 दिनों बाद अब ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म के ओटीटी रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में ओटीटी पर आपको साउथ की एक्शन ड्रामा संग सस्पेंस थ्रिलर की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप ओटीटी पर हिंदी में देख सकते हैं। चलिए बताते हैं गॉड समेत कौन कौन सी साउथ फिल्में हिंदी में उपलब्ध है और उनको कब कहां कैसे देख सकते हैं। गॉड, थलापति विजय की फिल्म गॉड को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 3 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। ये एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है। इसमें उनके साथ एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी, प्रशांत स्नेहा, प्रभु देवा और त्रिशा कृष्ण जैसे कलाकार अहम रोल में है और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। फिल्म ने करीब 250 करोड़ का बिजनेस किया है। अब देखना होगा कि इसे ओटीटी पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। नंबर 2 की बात करें तो सरीपोदा सनीवरम। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स पर नेचुरल स्टार नानी की एक्शन और रोमांटिक फिल्म सरीपोदा सनीवरम भी हिंदी में उपलब्ध है। इसमें उनके साथ एक्ट्रेस प्रियंका आरुल मोहन है। इसका निर्देशन डायरेक्टर विवेक अत्रेया ने किया और फिल्म नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में भी है। नंबर 3 की बात करें तो मिस्टर बच्चन। रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन को 15 अगस्त के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से रिलीज किया गया है। लेकिन ये हिंदी में अभी रिलीज नहीं किया गया है। इसे साउथ की भाषा में देख सकते हैं। इसमें रवि तेजा के साथ भाग्यश्री बोरसे, सुबलेखा सुधाकर, जगपति बाबू, सत्य और सचिन खेड़कर जैसे स्टार्स ने अहम रोल प्ले किया था। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि सिनेमाघरों में फ्लॉप फिल्म को ओटीटी पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। नंबर 4 की बात करें तो मल्लिकापुरम। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म मल्लिकापुरम ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है। इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया है। फिल्म हिंदी समेत साउथ की अन्य भाषाओं में भी देखी जा सकती है। इसकी कहानी सबरीमाला, भगवान अयप्पा और एक बच्ची की है। इसमें एक्टर उन्नी मुकुंदन, चाइल्ड आर्टिस्ट देवानंदा, श्रीपद और अल्फी पंजीकरण जैसे कलाकार अहम रोल में है। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो सायरन। कीर्ति सुरेश और जयम रवि की फिल्म सायरन एक बेहतरीन एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया है और ये हिंदी समेत साउथ की अन्य भाषाओं में रिलीज किया गया है। इसकी कहानी काफी दमदार है। जयम रवि इसमें एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका में होते हैं और एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश पुलिस अफसर के रोल में है। बता दें कि ये फिल्म 16 फरवरी को तमिल वर्जन में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। वहीं 23 फरवरी को इसका तेलुगु वर्जन रिलीज किया गया था। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो सैम्बी। आईएमडीबी की हाई रेटेड तमिल थ्रिलर फिल्म सैम्बी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। इसे ओटीटी पर हिंदी में भी देखा जा सकता है। इसकी कहानी पॉस्को एक्ट के प्रति जागरूक करने वाली है और इसका निर्देशन प्रभु सोलोमन ने किया था। आखिरी फिल्म की बात करें तो कनूर स्क्वाड। ममूटी स्टार फिल्म कनूर स्क्वाड को हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। इसे सिनेमाघरों में पिछले साल 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था और इसका निर्देशन रॉबी वर्गेज राज ने किया था। ये भी आईएमडीबी की हाई रेटेड फिल्म है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।